अचानक से चीन और भारत में जिस तरह से तनातनी बनी है, लोग जानना चाहते हैं आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब कई सारी खबरें सामने आ रही हैं जिनको बताया जा रहा है कि चीन की असली वजह यही हो सकती है। दरअसल चीन का 150 से अधिक देशों में लोन फंस गया है। चीन शुरुआती समय से ही एक नीति को लेकर चल रहा है, वो नीति है कमज़ोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा कर रखना और सक्षम देशों को विवाद में उलझाए रखना। यह उसकी पहले से नीति चल रही है। चीन अपनी इस नीति के जरिए 150 से ज़्यादा देशों में 112.5 लाख करोड़ रुपए बांट चुका है और यही कारण है जो आज उसे परेशानी का सबब हो रहा है। कमज़ोर देशों को भारी भरकम कर्ज देकर चीन उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि दुनिया में उसे अमेरिका के मुकाबले एक वैश्विक ताकत माना जाए और उसकी इस नीति के तहत वो काम भी तेज़ी से कर रहा है। एक जानकारी आपको और देते हैं, चीन ने 150 से ज़्यादा देशों को जो लोन बांटा है वो वैश्विक GDP का करीब 5% है। आप स्थिति को समझ सकते हैं, चीन सरकार और उसकी सहायक कंपनियां दूसरे देशों को करीब $1.5 ट्रिलियन यानी कि 112.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कर्ज दे चुकी हैं। अब स्थिति को समझ सकते हैं, जब लॉकडाउन लगा हो तो वो क्या देश पैसा वापस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, चीन अब विश्व बैंक और IMF से भी बड़ा कर्जदाता बन गया है। साल 2000 से 2014 के बीच में अमेरिका ने अन्य देशों को $394.6 अरब का कर्ज दिया था, जबकि चीन ने $354.4 अरब का कर्ज कमज़ोर देशों के बीच बांटा। बाद के सालों में जब अमेरिका ने कर्ज में कटौती की तो चीन इस मामले में आगे निकल गया। ये उसकी नीति है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है और अब स्थिति थोड़ा सा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 से ज़्यादा विकासशील देशों को चीन ने जो कर्ज दिया था वो साल 2005 में उसकी GDP का 1% से भी कम था, लेकिन साल 2017 में बढ़कर यह 15% तक पहुंच चुका है। क्या चीन पूरी दुनिया पे अपना राज करना चाहता है? वह छोटे देशों को कर्ज में फंसा करके अपनी नीति अपनाना चाहता है? वहीं भारत चीन के नीतियों के खिलाफ है और भारत चाहता है कि चीन को अब कमज़ोर किया जाए। वहीं अगर भारत की बात की जाए, 2014 तक भारत में चीन $1.6 अरब का निवेश कर चुका था, जो सिर्फ 3 सालों में बढ़कर $8 अरब पहुंच चुका है। अब समझ सकते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद चीन का जो कारोबार है वो भारत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चीन को भारत इस बार रोकने में कामयाब होगा यह देखने वाली बात है। अगर यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लगातार आपको ऐसी जानकारी अपडेट हम करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।